इंसानों का दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून बहने से नहीं रोक सकते, ठीक उसी प्रकार आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो यह तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो और फोकस्ड हो। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है? और यह तभी मुमकिन हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम रोज इसकी जगह बदलते रहेंगे तो यह शायद उग भी ना पाए या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। इसीलिए जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने दिमाग का स्थिर या संतुलित होना बहुत जरूरी है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 विचार आते हैं, जिनमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, और यह 95% विचार रिपीटेड होते हैं जो हमें बार बार आते हैं, और इसमें से 80% विचार नेगेटिव आते हैं और यह विचार प्रति सेकंड बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वे 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वे बल्ब का आविष्कार कर सकते थे? नहीं ना। इसीलिए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके दिमाग का स्थिर होना बहुत जरूरी है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ फैक्ट 10 और आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में आने वाले नेगेटिव विचार हमेशा के लिए कंट्रोल हो पाएंगे। नंबर 1, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। एक छोटा सा स्टेप बनाकर रोजाना उसे फॉलो करें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज मैं सुबह 9 से 12 बजे तक मोबाइल हाथ में नहीं लाऊंगा, आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं दिन में यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, बाकी दूसरे ऐप चला सकता हूँ। इस तरह से आप कुछ दूसरा स्टेप बनाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसे हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपको अपना काम स्वयं करने की आदत डालना होगा। अच्छे तथा साफ सुथरे कपड़े पहने। रोजाना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करें। नंबर 3, शांत रहें तथा कम बोलें। बोलना जरूरी होता है, लेकिन हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। हर बात पर अपना रिएक्शन देना जरूरी नहीं। जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो 5 सेकंड के लिए शांत रहें। ऐसा करने से आप स्थिति को समझ पाते हैं और सही तरीके से जवाब दे पाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी करने से आप सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं और वह दुखी हो जाता है। नंबर 4, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जब आप फ्री होते हो तो आपको उस टाइम उस काम के बारे में सोचना चाहिए जिसे आप करना चाहते हैं। आपके काम में जो परेशानियां आते हैं उसे कैसे दूर किया जाए उसके बारे में सोचिए। ऐसा करने से आप अपने नेगेटिव विचारों या फालतू विचारों से बच सकते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको जिन स्किल्स की जरूरत पड़ती है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके बारे में सोचें। नंबर 5, अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। जब आप अपनी दिनचर्या को निर्धारित करते हैं तब आपको पता होता है कि मुझे कौन सा काम करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक से आपको कोई काम करने के लिए कह दे, तब आप उस समय हड़बड़ा जाते हैं और आपके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। नंबर 6, योग तथा मेडिटेशन करें। योग तथा मेडिटेशन सबसे बड़ा तरीका है जिससे आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। योग तथा मेडिटेशन से रातों रात आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें धीरे धीरे समय लगेगा। अगर आप रोजाना योग तथा मेडिटेशन करते हैं
तो 3 से 4 महीने में आपको अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगेगी। वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि लंबे समय तक योग तथा मेडिटेशन करने वाले व्यक्तियों को टेंशन बहुत कम होती है। योग तथा मेडिटेशन से पॉजिटिव विचार आते हैं और नेगेटिव विचार बहुत ही कम आते हैं। नंबर 7, अच्छी किताबें पढ़ें। जब किसी व्यक्ति के पास अच्छी जानकारी नहीं होती है तो उसके मन में नेगेटिव विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए रोजाना कम से कम आधा घंटा आपको किसी महान व्यक्ति की पुस्तकें पढ़नी चाहिए या फिर कोई स्किल इम्प्रूव करने वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी महान व्यक्ति के साथ बिताए हुए 10 मिनट आपके कई महीनों की पढ़ाई के बराबर है। इसीलिए इन किताबों को पढ़ें और अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें। नंबर 8, खुद को बिजी रखें। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातें करने में बिजी होती है और उसके मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय आपको समय का सदुपयोग करें, जिससे आपका मन इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। खाली समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप दिमाग की एक्सरसाइज करने वाले गेम खेल सकते हैं, जैसे चेस, इंग्लिश स्पेलिंग गेम और भी बहुत सारे गेम हैं जिसे आप खेल सकते हैं। खाली समय में आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। खाली समय में आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं या फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 9, अच्छी आदतें बनाएं। रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना, डायरी लिखना या कोई कविता लिखना, बागवानी करना, बालकनी में फूल उगाना, अपने कपड़े खुद धोना, ये सभी अच्छी आदतों में से एक है। इन सभी अच्छी आदतों से आपका मन शांत होता है और आपके मन में नेगेटिव विचारों की भरमार नहीं आती है। और नंबर 10, रोज किसी अजनबी से बात करें। अपने मन को कभी भी अकेला ना छोड़ें, उसे किसी ना किसी काम में बिजी रखें। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का इससे बढ़िया तरीका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे आप लोगों को लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।